वेलकम टू सुनीता किचन। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कैरेमल एग पुडिंग, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो ये मुझे खुद को भी बहुत पसंद है। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं अपनी ये पुडिंग बनाना। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप दूध, दूध मैंने बॉयल किया हुआ लिया है, और यहाँ मैंने चीनी ले ली है 3 चम्मच, ये मैंने पाउडर वाली चीनी ली है, और यहाँ मैंने दानेदार चीनी ले ली है 3 चम्मच, और ये 2 अंडे लिए हैं, और ये वनीला एसेंस ले लिया मैंने। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया मैंने, पैन को मैंने चूल्हे पर रख लिया था, और अब इसके अंदर मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी को हम इसके अंदर मेल्ट करेंगे। ये बहुत ज्यादा मजे की बनती है और बहुत जल्दी बनने वाली ये पुडिंग है, इस पे कोई इतना टाइम भी नहीं लगता बनने में। और ये चीनी, ये पैन मेरा गरम होने लग गया, तो चीनी भी देख ली मेल्ट होने लग गई। इसको बहुत ज़्यादा हम कैरमलाइज नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा कर लिया तो फिर इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो इसका बस कलर चेंज होने तक इसको हम लोग मेल्ट करेंगे। इसको हल्की आंच पर ही रखना, ज़्यादा तेज आंच पर रखेंगे तो ये जलने लग जाएगी। जैसे ही पैन थोड़ा और ज्यादा गर्म होगा तो चीनी भी मेल्ट होने लग जाएगी। चीनी मेल्ट होने शुरू हो गई। फ्लेम को लो ही रखना है, ज्यादा हाई नहीं करना, वरना ये जलने लग जाएगी। इसको अगर साथ चिपक जाए तो इसको आप यूँ उतार लें कि चीनी ज़ाया नहीं हो। ये देखिए चीनी ने कलर चेंज इसका हो गया, चीनी का थोड़ा सा इसको और डार्क कलर करेंगे इसका। अच्छा कलर है, लेकिन थोड़ा सा मैं कलर इसका और डार्क करूंगी। ये देखिए ये कैरमलाइज हो चुकी है। अभी जिस मोल्ड में आपने इसको बनाना है, आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें, वही सब इस्तेमाल करें, जिसमें भी आपने बनाना है आप उसमें निकाल दें इसको। तो मैं इसके अंदर इसको निकाल दूंगी। सेट कर लेंगे, अब इसको रख दूंगी मैं सेट होने के लिए, और जब तक मैं अपने दूसरे ये मिला लूंगी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी दूध, जो मैंने 1 कप दूध लिया था। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चीनी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यह मैंने स्टीम के लिए देगचा रख दिया, और इसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी डाला, और ये इस सांचे के सिर्फ ये इतना इतना पानी रहे,
यहाँ तक, ये देख सकते हैं आप, ये इतना इतना पानी रहे ताकि जो बर्तन इसके अंदर रखेंगे पानी उसके अंदर ना आए। अब ये स्टीम के लिए इसको मैं रखूँगी, इसके अंदर स्टीम बन जाएगी तो फिर मैं अपनी पुडिंग इसके अंदर रखूँगी। और जब तक मैंने चीनी इसके अंदर ऐड कर दी थी, ये एक कप दूध लिया था और ये चीनी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। हल्का सा नीम गर्म दूध लेंगे तो चीनी इसके अंदर खुद ही मेल्ट होने लग जाएगी। और अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी अंडे। अच्छी तरह फेंट के ताकि इनके अंदर कोई लम्स ना रहे। अब ये भी इस दूध के अंदर डाल दें, इसको अच्छे से मिक्स करें। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी हाफ स्पून वनीला एसेंस। अब हम इसको डाल देंगे इस बर्तन में जिसके अंदर हमने पुडिंग बनाया है। और ये जो मैंने स्टीम के लिए रखा हुआ था ऊपर बर्तन, इसके अंदर स्टीम काफी बन चुकी है। अभी इस बर्तन को मैं इसके अंदर रखूंगी और ध्यान से रखना क्योंकि इसको इसके अंदर रखेंगे और इसको एहतियात से रखना कि बहुत ज्यादा इसके अंदर रख दिया और ऊपर मैंने ये स्टील की प्लेट ढक दी। और इसको मैं रखूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए और इसको मैं लो फ्लेम पे रखूंगी और आधे घंटे तक के लिए इसको मैं खोल के नहीं देखूंगी। आधे घंटे के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। चलिए आधा घंटा हो चुका है, अभी देखते हैं हमारी पुडिंग। चूल्हा करते हैं बंद और इसको खोल के देखते हैं, बहुत ज्यादा गर्म है। थोड़ा सा ये ठंडा होता है तो फिर मैं इसको डिश में निकालती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है कि हाथ भी नहीं लग रहा, तो मैं इसको बस 2 मिनट के बाद मैं इसको डिश में निकालती हूँ। तो ये पुडिंग मेरी बनके तैयार हो गई है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी तो फिर ये सेट हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी काट के। ये ठंडी हो गई है पुडिंग, अब इसको काट के देखते हैं। मजे की पुडिंग बनी है, ये बहुत मजे की बनती है। आप भी बना के बच्चों को दें और खुद भी खाएं, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाएं और खाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। तो फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।